एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जेनरिक हैशटैग स्टडी। आज हम लोग क्लास सिक्स के साइंस के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे, विद्युत एवं विद्युत परिपथ। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखेंगे, देख लेते हैं। विद्युत आवेश की प्रकृति, रगड़ने पर वस्तुओं का आवेशन, दो आवेशित वस्तुओं के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण, आवेशों के प्रकार, विद्युत परिपथ, विद्युत सल एंड विद्युत धारा। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहाँ से हम लोग के क्वेश्चन बनते हैं और सम्स बनते हैं। आइए देख लेते हैं, देखते हैं। विद्युत वह गुण जिसके कारण पदार्थ विद्युतमय होते हैं, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी वस्तु पर या पदार्थ पर आया वह गुण जिसके द्वारा इसके कारण वह दूसरे पदार्थ पर बल आरोपित करता है, उसे आवेश कहते हैं। आवेश एक अदिश राशि है। अदिश और सदिश दो राशियां होती हैं। सदिश में दिशा और परिमाण दोनों होता है, अदिश में केवल परिमाण होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया चाल। चाल में हम लोग को बता दिया जाता है 2 किलोमीटर, ये नहीं बताया गया कि इस डायरेक्शन में जाना है या उस नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है, ऐसा नहीं उसमें लिखा होता है। तो चाल एक अदिश राशि हो गई, द्रव्यमान हो गया, ये कुछ अदिश राशि के एग्जाम्पल हैं। और सदिश राशि के एग्जाम्पल हो गया हमारा फोर्स, बल, तो हमें पता होता है बल किस दिशा में रग रहा है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी आवेश की अभिधारणा होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। जैसे कि हम सबको पता है धन आवेश में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन की अधिकता। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर हटाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपल्शन होगा, यानी कि दूर हटाएंगे, और पॉजिटिव और निगेटिव होगा तो ये हमारा अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं, विद्युत सुचालक, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वह विद्युत के सुचालक कहते हैं। यानी कि इसमें हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है या करंट होता है वो प्रभावित हो सके, यानी कि बहुत तेज चले तो वो हमारे विद्युत के सुचालक होते हैं, तेज मतलब चलता है। और विद्युत के कुचालक वो होते हैं जिनमें हमारा करंट जो होता है रोक देते हैं या उसमें नहीं गुजर पाता है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, तांबे के तार जो होता है, तांबे के तार में विद्युत का सुचालक है, इसमें करंट और धारा बहुत तेज प्रवाहित होती है। और विद्युत के सुचालक जो हैं, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, वे विद्युत रोधक या विद्युत कुचालक कहलाते हैं। जैसे स्केल हो गया, कंघा हो गया, प्लास्टिक हो गई, इसमें क्या होता है, इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहीं धारा प्रवाहित हो रही है वहाँ पर रख दें तो क्या होता है, धारा वहाँ पर प्रवाहित होना बंद हो जाती है, रुक जाती है। जैसे कि हम लोग जो मैकेनिक होता है इलेक्ट्रिसिटी वाला, वो रबड़ की चप्पल पहनकर या रबड़ के ग्लव्स पहनकर हमारी इलेक्ट्रिसिटी को सही करता है, और जैसे कि उसको बॉडी में करंट ना लगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ हमारा एक सेल होता है जो हमारे घर में यूज़ होता है, बैटरी। अब इसमें एक प्लेन जो सरफेस होती है उसे हम लोग नेगेटिव सरफेस बोलते हैं, और नेगेटिव, और जो ये पॉइंट जैसा बना होता है ये पॉजिटिव होती है। यहाँ से हमारा इसको अगर हम एक बल्ब से जोड़ेंगे तार की हेल्प से, तो ये पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ जाएगा और ये अट्रैक्ट होगा, और ये यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जिससे कि बल्ब जो होगा उसमें धारा प्रवाहित होने लग जाएगी और ये बल्ब जल जाएगा, करंट आ जाएगा और ये बल्ब जलेगा। और बल्ब की कुछ संरचना को देख लेते हैं, इसमें बल्ब कुछ इस प्रकार दिखता है, और इसमें ये फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का होता है, जिससे कि अगर हमारा धारा जब बल्ब फ्यूज़ होता है उसका कारण ये होता है कि ये टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है वो टूट जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, धारा के बंद तथा वक्र पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ये जो हमारा बंद है ये पूरा परिपथ, इसे हम लोग वक्र, और वक्र होता है और बंद होता है, इसे हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। तीन विद्युत चालक के नाम जो हैं, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपकी बार CTT या UPTET में, और एल्युमिनियम दिया गया था। काफ़ी बच्चों को ये इसका पता ही नहीं था कि एल्युमिनियम में भी हमारी धारा बहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तीन विद्युत रोधियों के नाम बताइए, जैसे कि लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं, विद्युत सेल। विद्युत सेल कुछ हमारा इस तरह की बैटरी होती है, इसमें हमने बताया आपको एक इस तरह से पॉइंट होता है, उसमें ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट होता है और ये निगेटिव पॉइंट होता है, जो प्लेन सरफेस होती है। इसमें
ग्रेफाइट्स की रॉड होती है और इसमें कुछ मिक्सचर होता है, जिस जो MnO2 का होता है, एल्युमिनियम की जैली होती है, जो कि हमारी किसी भी करंट या धारा को प्रवाहित करने में हेल्प करती है। और ये हमारी जिंक का एक कंटेनर होता है, ये बना होता है जिंक का, ये हमारा वैद्युत सेल कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वैद्युत धारा, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं, इसके फॉर्मूला से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, मैथ सम्स वगैरह। वैद्युत धारा आवेश बटे समय, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में और इसका फॉर्मूला दे दिया गया था जूनियर के एग्जाम में। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ये भी यूपीटेट में पूछा गया था डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। नेक्स्ट है बल्ब के फ्यूज़ होने का कारण फिलामेंट है, वो जो टंगस्टन का तंतु लगा होता है वो टूट जाता है, टूटने का कारण होता है उसका। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कॉमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।